तमाम क्रिकेट फैंस को मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि जैसे पाकिस्तानी टीम ने सीरीज में और स्पेशली सेकंड मैच के अंदर खेला, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली पाकिस्तानी फैंस को कि आगे भी पाकिस्तानी टीम इस तरह पार्टिसिपेट कर सकती है, इस तरह खेल सकती है। कुछ मैच का हवाला यूं है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, 272 पहली इनिंग्स के अंदर किए, वहीं साउथ अफ्रीकन टीम स्ट्रगल होती नजर आई, टोटल 201 रन कर सकी। पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग्स में काफ़ी अच्छे टारगेट सेट किया, क्योंकि 298 काफ़ी ज़्यादा रन्स थे। फिर साउथ अफ्रीकन टीम अपनी आखिरी इनिंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेच्योर नज़र आई, काफ़ी अच्छी इनिंग्स देखने को मिली, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स, स्पेशली मैं नाम लूँगा हसन अली का, जिन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर 54 पे 5 और फिर दूसरी इनिंग्स के अंदर 60 पे 5, आप अंदाज़ा लगाएं 10 विकटें, वो भी एक मैच के अंदर। दोस्तों, मैच के बेस्ट परफॉर्मर्स कुछ इस तरह हैं कि पहली इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की जानिब से हाईएस्ट रन्स फहीम अशरफ ने किए, जिन्होंने 78 नॉट आउट। एरिन नॉटेज ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 56 पे 5 विकटें लीं। फिर साथ बाबर आजम अच्छी इनिंग्स खेल गए, जिन्होंने 77 किए, और केशव महराज ने 3 विकेट्स लीं। अब बात करते हैं दूसरी इनिंग्स की, जहाँ दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम और स्पेशली मोहम्मद रिजवान सेंचुरी स्कोर की, 115 पे नॉट आउट है। नुमान अली ने 45 किए और जॉर्ज लेने ने 5 ली। हसन अली 10 विकेट लेकर पाकिस्तानी टीम को मैच जितवा चुके हैं।